विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में अषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ज्वाला माँ का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ का शुभ आशीर्वाद लिया। पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ के जन्म दिवस पर केक काटा और माँ के जयकारे लगाए। ज्वालामुखी मंदिर में अषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रों की अष्टमी वाले दिन ज्वाला माँ का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ज्वालामुखी मंदिर में जन्मदिन के शुभ अवसर पर चौकी का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रकार का भोग ज्वाला माँ को लगाया गया। मंदिर के पुजारी अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रों में ज्वालामुखी मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान दिया जाता है, जिसमें मंदिर प्रशासन द्वारा विश्व शांति के लिए पुजारी व ब्राह्मणों द्वारा जप और पाठ किया जाता है। मंदिर के पुजारी अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रों में ज्वालामुखी मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें पुजारी व ब्राह्मणों द्वारा जप और पाठ किया जाता है, जिसका समापन नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के साथ किया जाता है। इसी दिन एक विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है। आज सभी श्रद्धालुओं को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आज अषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महामाई ज्वालामुखी का प्रकटोत्सव जन्मदिवस बड़े धूमधाम से ज्वालामुखी मंदिर में मनाया जा रहा है। आज महामाई का विशेष पूजन होगा, हवन यज्ञ होगा। आज भक्त हजारों की संख्या में महामाई के मंदिर में पहुँच रहे हैं। शाम को माता की चौकी होगी। महामाई श्री देवी भागवत जी का जो कथा का आयोजन चला हुआ है, उसमें भक्त हजारों की संख्या में आकर महामाई के गुणगान का श्रवण कर रहे हैं। मैं महामाई ज्वाला से प्रार्थना करूंगा कि महामाई सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस मौके पर पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने मां ज्वाला के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। उन्होंने कहा कि इस दिन उन्होंने माँ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सिंगला पानीपत से आए हैं, माँ ज्वाला जी के जन्म उत्सव पे आए हैं, यहाँ माता जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।